नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और यह एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की जो क्लास है वो पांचवी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। और इसके पहले चार क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 से। जल स्तर को मापने का उपकरण है, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीजोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा, पीजोमीटर से जल की गहराई का मापन किया जाता है। पोटोमीटर की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन, लाइसीमीटर वाष्पोत्सर्जन, और मैनोमीटर का यूज जड़ दाब के लिए, और अल्टीमीटर का यूज ऊंचाई के लिए किया जाता है, और एनीमोमीटर का यूज वायु गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 है, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल संग्रहण क्षेत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 56, एक कीट के शरीर के तीन अंग हैं। तो यहाँ पर 56 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सिर, फ्रज, पेट। तो यहाँ पर हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 57, बाजरे में इस्मट रोग है, तो बाजरे में इस्मट रोग आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्वेल मृदा जनित रोग है। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृद रोमिल आशिता एक है, क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है बीज जनित है, ऑप्शन बी है मृदा जनित, ऑप्शन सी है बीज और मृदा जनित, ऑप्शन डी है वायु जनित। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज और मृदा जनित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुपूरक परागण सामान्यतः किसके बीज समुच्चय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरजमुखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है 60, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेट्रोजोलियम परीक्षण। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, आम के नियमित फलन के लिए किस वृद्धि नियामक की संस्तुति की जाती है। तो 61 का आंसर दीजिए दोस्तों क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पैक्लोब्यूटाजोल, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62, सब्जियाँ किसका अच्छा स्रोत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सब्जियाँ विटामिन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को यहाँ पर आपको फिल करना है पर काटा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल पक्की दशा में, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पशु एवं भैंस यहाँ पर आपको फिल करना है परिवार से आते हैं, तो किस परिवार से आते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें गाय की फैमिली की, तो बोविडी होती है, और भैंस की बोविडी, और भेड़ की बोविडी। तो गाय, भैंस और भेड़ का जो फैमिली है वो बोविडी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसीन है। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन कहते हैं, और भैंस के दूध में उपस्थित प्रोटीन कैरोटीन कहलाता है, और अंडे में उपस्थित प्रोटीन को एल्बुमिन कहते हैं, और मक्के में उपस्थित प्रोटीन को जैन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैन जो होती है वो मक्के में पाई जाती है, मक्के की प्रोटीन होती है, और एल्बुमिन जो है यहाँ पर अंडे में उपस्थित प्रोटीन, और ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, रिंडरपेस्ट किसके कारण होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है दोस्तों, एक तरफ विषाणु जनित रोग है और दूसरी तरफ जीवाणु जनित रोग दिए गए हैं, कवक जनित रोग हैं और प्रोटोजोआ। तो विषाणु जनित रोग चेचक है, खुरपका मुंहपका है, पशु प्लेग है,
और रानीखेत है। तो ये सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं आप जीवाणु से संबंधित, यहाँ पर थनैला, क्षय रोग, गलघोटू, कवक से, ये सभी आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का यहाँ पे आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की बात करें तो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के नाम पर किया गया था। 16 जुलाई 1929 को इसका नाम बदलकर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया था, और उसके बाद 1947 में इसका नाम पुनः परिवर्तित होकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। और इसके सबसे पहले डीजी की बात करें तो डॉक्टर बीपी पाल थे, और इसके चिन्ह यानी कि लोगों में गेहूं फसल का चित्र है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट, पश्चिम घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार आपको बताना है, तो ऑप्शन ए दिया गया है चक्रवाती, ऑप्शन बी है संवहनी, ऑप्शन सी है पर्वती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी पर्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पादप वृद्धि अवधि और तापमान के बीच संबंध कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती डिग्री दिवस, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, अंतर सस्य क्रियाओं का अर्थ किसके लिए है? तो 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी खरपतवार नष्ट करना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, मृदा पर पपड़ी जमना किसमें एक समस्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा एरिडो सोल्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मृदा पर पपड़ी जमना एरिडो सोल्स में एक समस्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, यहाँ पर जौ, यहाँ पर आपको फिल करना है, मे एक प्रसिद्ध वस्तु है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यौरस और शराब उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 76, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल को शाकाहारी मांस कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा काउपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सफ़ेद सरसों रेपसीड को दर्शाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरसों और तूरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, पूर्ण उर्वरक का अर्थ, उर्वरक जिसमें एक मुख्य पोषक तत्व हो, तीन प्राथमिक पोषक तत्व हो, दो प्राथमिक पोषक तत्व हो, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण उर्वरक का अर्थ होता है उर्वरक जिसमें तीन प्राथमिक पोषक तत्व हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, केसीआई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 80 की बात करेंगे, नाइट्राइड को नाइट्रेट रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर, ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रीकरण वह क्रिया है जिसमें जीवाणुओं द्वारा NH3 को NO3 में बदलते हैं, नाइट्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, ट्रांसपीरेशन इज वाष्पोत्सर्जन है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट सरफेस, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सोयल इज, तो 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 है, एग्रोस्ट्रोलॉजी का अध्ययन है, इनमें से बताना है सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत, फॉरेस्टी के अंतर्गत वृक्ष का अध्ययन, सिल्वी कल्चर की बात करें तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत चारागाह का अध्ययन किया जाता है, और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी का अध्ययन, और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करेंगे, 87 है, कीट विज्ञान से संदर्भित है, तो 87 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों का अध्ययन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और पैथोलॉजी
पौध रोगों का अध्ययन है, और नेमेटोलॉजी सूत्रकृमि का अध्ययन, और मेट्रोलॉजी जलवायु का अध्ययन, और इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर अगला 88, गन्ने में डेड हर्ट किसके कारण होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉप बोरर, शीर्ष छेदक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। शुगरकेन टॉप बोरर का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ट्राइपोराइजा निवेला है, और यह पायरालिडिएसी कुल का कीट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, क्वेश्चन नंबर माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंगी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 90 क्वेश्चन नंबर है, वह पौधा जो मुख्य फसल से थोड़ा विचलित होता है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ प्रकार का, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों 91 की बात करेंगे, वे भी जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बुमिन रहित बीज, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 92 है, एक परिपक्व और बीज वाली पकी अंडाशय से, यहाँ पर आपको फिल करना है, संदर्भित है, तो 92 का आंसर दीजिए दोस्तों क्या बनेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फल इसका सही जवाब बनेगा। फल एक परिपक्व और बीज वाली पकी अंडाशय को फल कहते हैं, फल की अंडाणु मांसल होती है और इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 93 है, मार्मालेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फल को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतरा, संतरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां चिनोपोडियेसी परिवार से आती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पालक, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। दोस्तों यदि हम आलू की बात करें तो आलू सोलेनेसी कुल का के अंतर्गत आता है, और शकरकंद की बात करें तो कॉर्न वो बुलेसी के अंतर्गत आता है, और भिंडी की बात करें तो मालवेसी कुल का है, और पालक जो है चिनोपोडियेसी, फूल गोभी की बात करें तो क्रूसीफेरी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, खीस कोलेस्ट्रम पिलाना किसके लिए आवश्यक है? तो 95 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के लिए, प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पाचन को सरल करने के लिए, रोग प्रतिरोधकता के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 है, पशु प्लेग का दूसरा नाम आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंडर पेस्ट, पशु प्लेग का दूसरा नाम जो है रिंडर पेस्ट है, चेचक का दूसरा नाम पॉक्स, और गिल्टी रोग को एंथ्रेक्स, और थनेला का दूसरा नाम मास्टाइटिस, और क्षय रोग को ट्यूबरक्लोसिस, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्बिंग कहलाता है। यहाँ पर एक तरफ पशु दिया गया है, दूसरी तरफ भ्रूण का निष्कासन, तो गाय में भ्रूण का निष्कासन काल्बिंग है, भैंस में भ्रूण का निष्कासन काल्बिंग, और बकरी में किडिंग, भेड़ को लैम्बिंग, और इसमें फारोविंग है, और मुर्गी में हैचिंग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर हम बात करेंगे 98 की, निम्नलिखित पौधों में से किसकी प्रकाश शोषण दर उच्चतम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैडी, धान, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 की बात करेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम, इटली में स्थित है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेघ बीजन किसकी सहायता से किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, मृदा के बड़े छिद्र सामान्यतः किससे भरे होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल और वायु दोनों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोक्रॉपिंग, एकल फसली कहलाता है। एकल फसली कृषि क्या होती है, जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो एकल फसली कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 106,
गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है। तो 106 का आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्ष मूल निकलते समय, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, डोसा और इडली जैसे भोज पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक ग्राम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अफ्लाटॉक्सिन समस्या निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल में सर्वाधिक प्रबद्ध है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंगफली। इसका सही जवाब बनेगा, मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक विष का उत्पादन करता है और जिसके खाने में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 109, सरसों के पौधे की फली किसके नाम से जानी जाती है? तो 109 का आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्कवा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पूर्णतः भारत में बाहर से आयात किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटैशिक उर्वरक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो आंसर होगा रूट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार अधिकतम जल धारण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, जलदाह परिस्थितियों के अंतर्गत सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका विभाजन का दीर्घीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला है 115, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक जल चाहिए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, गन्ना इसका सही जवाब बनेगा। गन्ना, यहाँ पर शुगर कैन की बात करें, इसके जल मांग की बात करें, तो यहाँ पर इसका जल मांग हो जाएगा 1500 से 1650, 1500 से 1650 इसका जल मांग होगा। और धान की बात करें तो इसका जल मांग 1400 से 1600, आप लोग ध्यान रखिएगा। मक्का की बात करें तो मक्का की जो जल मांग होती है 620 से 780, और गेहूं की जल मांग कितनी होती है 250 से 310। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 116 है, पादप जल स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 116 का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतः स्पंदन दर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अंतः स्पंदन भूमि की पतली सतह से जल के नीचे की ओर जाने की प्रक्रिया को अंतः स्पंदन कहते हैं और इसका पादप जल से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 117 क्वेश्चन नंबर है, भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदनीयता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर 118 क्वेश्चन नंबर, सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण USLE किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिच मेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 119, कुटकी नासी किसके विरुद्ध प्रयुक्त होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइट्स, माइट्स के विरुद्ध प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग का आपको चयन करना है यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू का मोजेक, पोटैटो मोजेक, यहाँ पर राइट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है कितनी है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, अधिमिश्रण रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 122 क्वेश्चन नंबर, सूरजमुखी के बीज क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एकेन कहलाते हैं। गेहूं और धान के बीजों की बात करें तो कैरियोप्सिस के नाम से जाने जाते हैं, और सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी एकेन, और गाजर को सिजोकार्प, सिजोकार्प कहते हैं, और नारियल को नट कहा जाता है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज रक्षण कहलाता है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 124 है, फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, जिसका सूत्र की बात करें तो C6H12O6 होता है और इसका आणविक द्रव्यमान 180.16 ग्राम प्रति मोल है और यह जल में घुलनशील शर्करा है, यह सबसे ज़्यादा सूखे हुए गूलर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, मूली की देर से कटाई का परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिथिनेस, खोखलापन, इसका सही जवाब हो जाएगा। और पिथिनेस, इसे मूली का खोखलापन भी कहते हैं, यह मूली की देर में कटाई करने पर होता है। यदि मूली को बीज के लिए छोड़ते हैं तो मूली पिथिनेस हो जाता है। और फोर्किंग की बात करें, यह मूली और गाजर दोनों में होता है। जब कठोर मिट्टी के कारण मूली और गाजर दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे फोर्किंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस क्लास का यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।